मेरे वालों सारे वीर भैनों सारे प्यार भरी सत श्री अकाल जी। तो अज की वीडियो दे विच मैं तुहाडे लई एक बहुत वधिया रेसिपी लैके आई हाँ, खट्टा मिठा नींबू का अचार। ये अचार है बहुत ही स्वाद ते टेस्टी बनता है, तो तुसी जरूर देखियो मैं जिहड़े मेरे भैणां ते वीर जिन्ने भी मेरे बच्चे वीडियो देखते हैं तो वह ट्राई जरूर करियो। बिल्कुल सौखे जिहे तरीके नाल बन के तैयार हो जाता, तो इन्ना स्वाद बनता ना, तुसी एक बार बनाओगे तो वार बार जरूर बनाओगे। तो आओ मैं तुम्हें देख दिखाई हाँ किमें अचार बनता, तो ये वास्ते मैं कि मसाले ले रहे वो मैं तुम्हें सारे दिखावगी। सब तो पहला तो जेडे आप नींबू ले ने, 6 नींबू ले ने। नींबूआं मैं धो के तो कपड़े ने पूंज के सुकाए हुए ने, गिले नींबू नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सुके नींबू होने चाहिए ने, तो साफ किए होने चाहिए कपड़े ना, क्योंकि जो भी साफ किए होने कोई भी अपना कोई दवाइया दुइया लगदियाँ तो साफ हो जाए धो के, तो फिर इन पूंजने बहुत जरूरी, गिले नींबू होने चाहिए। ये जो नींबू ने 4 नींबू तो मैं स्टोर के लिया, 2 नींबू अपनी इंडिया दुकाना तो मिलते हैं। ये जो नींबू ने पतले छिलके वाले ने, आ देखो जो भी अचार बना पतले छिलके वाले तो नींबू मिल तो सब तो वधिया है, तो यह मैं मिले नहीं है, मैं तो स्टोर चु लिया अपने, तो ये मेरे 2 अपन दुकाना तो इंडिया दुकाना तो मिल जाते हैं। जे तुम ये सारे मिल तो तुम यदा भी अचार पा लो, ये भी बहुत वधिया, यदा अचार बहुत वधिया बनता, खराब नहीं होंगे। तो हम मैं तुम्हें बना के दिखाई हाँ, सब तो पहला तो आप नींबू कट के तैयार करने हैं, ये मसाले भी मैं तैयार करके रखे हुए हैं। हूँ आप नींबू कट के तैयार करने, एक मैं तुम्हें पहली गल दस रही हूँ, जो नींबू ने जो थोड़े को सख्त नींबू ने ना, तो नींबू में चंगी तरह तुम इनू इदा करके ना तली दे ना घुमा लो, जो रस से सारा कट्ठा हो जाएगा ना, इदा घुमा लियो इधर गोल गोल करके घुमा लिया ना, जो रस ने अपना कट्ठा जहा हो जाता ना जल्दी कटी जाते हैं, इदा जरूर सारे नींबू घुमा लो एक बार, तो घुमा के फिर नरम हो जाते हैं। आ देखो रस जरा इदा सारे घुमा लेने, तो यह जो अपने इंडियन दुकान इन्ना चे तो वैसे ही पतले छिलके का इन्हों कर जरूरत नहीं, तो जे अपने स्टोर वाले नींबू ने इन्हों कर जरूरत है, सारे तुम नींबू इदा घुमा लेने ने। हम मैं तुम्हें नींबू कट के दिखाई हाँ, ये पहला आप 2-2 पीस कटने ने, फिर इन्हों का जो जूस है उसी कट लेना, तो फिर मैं तुम्हें दोबारा छोटे पीस करके दिखाव। हाँ देखो ये भी नरम ने, बिल्कुल छिलका देख लो पतला जहा हो गया, सारे नींबू पत्ते कट लेने, जो नींबू आप सारे कट के तैयार कर लेने। हूँ जो नींबू का जूस कटना, एक मैं कौले डोंगा ले लिया कौली जी, तो ये आप नींबू है देखो यह छोट नींबू का साइज छोटा है, तो नींबू ने चोनी अपनी वड्डी है, देखो सारा आप रस कढ़ लैण, एक प्लेट रखी जाने। इन्हां च रस बहुत होंदा है जूस जिहा, जो पिछला हिस्सा है ये मैं कट लिया जिहड़ा बूंडिया जांदा है, क्योंकि वह थोड़ा जिहा लंबा होंदा ना मोटा, सारे नींबूआं दा रस कट लैना इत्थे। सारे नींबू निचोड़ने आपां, आ बीज सारे कट लैने, विच बीज नहीं होने चाहिए। देखो सारे नींबू आपां निचोड़ ले, जो नींबूआं दा जूस है ये हुण आपां एक पासे रख देने, जिहड़े अपने यह नींबू दा रस निचोड़िया होया जो इन्हां नूं आपां ये 2-2 पीसा च कट लेना है। जे तुहानू वड्डे पीस लगन तुसीं छोटे कर सकते हो। आ जिहड़े अपने इंडिया दुकानां दा नींबू मिलदे सब तो वधिया नींबू ने, इन्हां दा जिहड़ा छिलका बहुत ही पतला हुंदा है। बी कट लेने ने, आ देखो जिहड़े वड्डे नींबू ने उन्हां दे मैं 4-4 पीस कर ले ने, तुसीं कट के देख लो, जो छोटे पीस ने कई बार बच्चे खांदे नहीं हैगे वड्डे पीस, ते आ जिहड़े मैं 2 पीसां ते आपां एक पीस दे 2 कर लैने विचला हिस्सा। हाँ जी, हुण आपां एक पतीला लैना, पतीले दे विच आपां 3 तों 4 गलास पानी दे पा लैने ने, इह मैं वासा कुकर पा लिया गर्म करके, जल्दी हो जाएगी क्योंकि फिर पानी च गर्म करते टाइम लग जाता ना, 3-4 गिलास मैं पानी पा लिया,
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਲ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਹੈ ਛੇਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰ ਦੇਣੀ ਇੱਦਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿੰਬੂ ਚੀਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਚੀਨ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਦਵਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿੰਬੂ ਚੇੜਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦਾਲ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਹੁਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਣੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਉਬਲਾ ਹਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਢਿੱਲੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਚਾਸਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਸਣੀ ਚਾਸਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣੀ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਇਹ ਕੌਲੀ ਆਪਾਂ ਚੀਸਣੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਲਈਏ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਔਰ ਭੈਣ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਚੀਨੀ ਆਪਣੀ ਘੁਲ ਗਈ ਹੈ ਰੇਜ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ 2 ਚਮਚ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਰਾ ਆਹ ਚਮਚ ਲਏ ਨੇ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਜੀਰਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦਰਦਰਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 1.5 ਚਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਡੇਢ ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਚਿਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌੜੀਆਂ ਘੱਟ ਇੰਨੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੱਟਾ ਖੱਟਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਸਾਦਾ ਨਮਕ 1.5 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1/2 ਚਮਚ ਪਾਉਣਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੌਂਗ ਲੂੰਗ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 1/2 ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ 1/2 ਚਮਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਾਸਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਹਿੰਗ ਅੱਧਾ ਕੁ 1/2 ਚਮਚ ਜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਭੁੱਜਿਆ ਹੈ ਜੀਰਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂ ਦੇਖੋ 3-4 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਿੰਬੂ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਸਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਣੇ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਸ ਕੱਢਿਆ ਦਾ ਜੂਸ ਉਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
आदि फिर चाशनी वाला आ गया साड़ी नू मसाले पा के हूँ असी नींबू ऐड कर दे देखो कलर कितना वधिया आया जीरा जो भुजा है जीरा ना वो ना बहुत ही वधिया स्वाद आता टेस्टी आता जो काला नमक वो भी वधिया सब तो ये नींबू ने अपना हूँ चाशनी के ऐड कर देने बिना तेल तो यह अचार बनाना अचार इन्ना स्वाद बनता ना खट्टा मिठा बहुत ही ज़्यादा वधिया हूँ अपन दो तीन मिनट पकावे चाशनी के अपन नींबू जो ऐड किए जो भी तो अचार बनाना है पहला एक कौली दे सीधी कौली पानी पा लैनी फिर उन्होंने खंड को घोल लेना चंगी तरह मिक्स कर लेना जो थोड़ी खंड घोल गई फिर तुम जो अपने नींबू ने वाले हुए भाफ वाले पकाए हुए ने फिर ऐड कर देने मसाले ऐड करके फिर तुम ये ऐड करके फिर हूँ अपना ऐड कर देना देखो तो अपने नींबू तैयार ने चार नींबू का तो हूँ मैं गैस में बंद करते लगी हाँ जे तुम्हें तो खट्टा चार पसंद है तो थोड़ी चीनी पा लो तो जे तुम्हें तो मिठा पसंद है तुम चीनी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो ना वो थोड़ी अपनी पसंद है आ देखो चार अपना तैयार है हूँ आप थोड़ा जि ठंडा करने तो सर बोल दे पा के तुम दिखाने ये खट्टा मिठा नींबू का अचार तैयार हो गया जे तुम्हें तो होर भी कोई चार की रैसपी चाहिए है नींबू का अचार या अंब का वो भी तुम जरूर कमेंट करो वह भी मैं जरूर बनावगी खट्टा मिठा अचार अपना तैयार है ये ठंडा हो के तुम कच के मरदमान पा के रख लो इन जिन्ना चर मर्जी टाइम कर लो जे तुम पहली बार बनाया तो भावें थोड़ा बना के देख लो कई बार अपने मिठा चार नहीं पसंद आता खट्टा मिठा पहली बार बनाया तो तुम जरूर ट्राई कर लियो थोड़े बना के तो बाद ज़्यादा बना लियो नींबू का खट्टा मिठा चार बन के हो गया तैयार मेरी भैनों ने रिक्वेस्ट है जरूर तुम ट्राई करो वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक और कमेंट करके जरूर दस्या करो वीडियो किमें लगती वीडियो देख ली तो सारे का थैंक यू सत श्री अकाल।